ओ देखो जी, चोंच आपको दिखाई दे रही होगी अंदर। हाँ। ओ देखो जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हमारे को इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले हैं। आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आप लोग इतने मेरे को गाइड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम। और कुछ भाइयों ने कहा कि इस कंडीशन से रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। ये बड़ी बड़ी मुर्गियां भी जो हैं बता रहे थे एक भाई कमेंट में कि बड़ा मुर्गा था 8-10 महीने का, वो भी मर गया। आ जा, ये आवाज को सुनते ही सीधी चली आती है जी। कमी के कारण जो है जी पैरों का इस तरह से मुड़ना या और भी कई दिक्कतें आती है, तो वो कैसे जी। फ्रेंड्स, कल जो है मैंने बताया था, सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हमारे को इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले हैं। आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आप लोग इतने मेरे को गाइड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम। इन सब चीजों के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूं जी। सबसे पहले तो दोस्तों मैं मेंशन करना चाहूंगा वो कमेंट्स जो आप लोगों ने मुझे किए हैं, और एक भाई का और भी 2-3 भाइयों ने मुझे कमेंट्स किए। मैं आप लोगों का सबसे पहले थैंक यू करता हूं जी व्लॉग की शुरुआत में, कि आपने मुझे कुछ मेडिसिन जो है रिकमेंड की हमारे चूजे के लिए, जो हमारा बच्चा ये बेंटम चिक का जो बेंटम चिक है वो बीमार हो गया था चूजा, तो उसके लिए जो आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया, तो मैं सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और भाई ने एक ने लिखा भी था कि वो हमारे पुराने सब्सक्राइबर भी हैं, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, अपने चूज़ों के बारे में बताया, और भी एक भाई का भी लेटेस्ट मेरे को एक कमेंट भी आया था, तो उन्होंने बताया था कि जिस तरह से कंडीशन हमारी चूजे की है बेंटम, तो आज हमने बैक साइड में कर दिया है दोस्तों इनको। दोपहर के टाइम मैं बाहर सुबह कर देता हूँ, बाकी शाम के टाइम टेम्परेचर डाउन होता है तो मैं अंदर कर देता हूँ। तो अभी भी देखेंगे आप पेटी के अंदर हमारा छोटे वाला चिक है। तो हाँ जी फ्रेंड्स, धूप में मैंने रख दिया है इसको, कि क्या पता जो धूप की वजह से भी थोड़ा सा बच्चे को कुछ ऐसा लग रहा हो। तो दोस्तों मैं भी परमेश्वर से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द बच्चा ठीक हो जाए और हमारे को अच्छा रिजल्ट मिले। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया कि जितने भी लोगों ने मुझे सजेशन दिए हैं दवाइयों के लिए, भी भाइयों ने मुझे नाम के साथ जो है बताया। तो बाकी ये सारे चिक्स हैं जी, देखो फीड का टाइम हुआ था सुबह, फीड मैं खिला चुका हूँ इनको। तो ये है जी स्पेशली मैं लेकर आया हूँ दोस्तों कैल्शियम जो है। तो भाई ने तो मेरे को खैर बताया बाद में, जैसे शाम के वक्त मैसेजेस पढ़े मैंने, पर जो उससे पहले मैं ये जो है ओस्टोवेट लेके आ गया हूँ जी, कैल्शियम है। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था जिस शॉप से लेके आया, तो कैल्शियम की कमी के कारण जो है जी पैरों का इस तरह से मुड़ना या और भी कई दिक्कतें आती हैं, तो वो कैल्शियम हड्डियों की जो होती हैं, तो ये भी ले आया था मैं दोस्तों। तो इसको भी दे रहा हूँ, सेकेंड डे हो चुका है आज इसको देते हुए। और कुछ और मेडिसिन भी दिखाना चाहता हूँ जो मैं अपना रेगुलर रखता हूँ जी अलमीरा पे, देख सकते हैं आप। एक तो ये मल्टीविटामिन है जी विमराला, और उधर है जी अपना ये, एक ये है जी अपना, और ये देख सकते हैं आप ब्रूटोन भी रखा हुआ है मैंने। तो ये जो लीवर टॉनिक जो बहुत बेस्ट है, और साथ साथ है जी यहाँ पर एक लेक्सिन पाउडर ये। हाँ जी दोस्तों, देख सकते हैं सारे में फीड गिरा रखी है चूजों ने, तो इनको भी मैं धूप में रख देता हूँ इनका पिंजरा, क्योंकि कुछ देर में यहाँ इस कोने पर धूप आ जाएगी। और लो जी, तो अभी भी कंडीशन देखेंगे आप चूजे की जो है वो इसी तरह से, अभी भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, पैर आगे पीछे हुए हुए हैं। और कुछ भाइयों ने कहा कि इस कंडीशन से रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। ये बड़ी बड़ी मुर्गियां भी जो हैं बता रहे थे एक भाई कमेंट में कि बड़ा मुर्गा था 8-10 महीने का, वो भी मर गया। पर चलो जी, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो आप लोग भी प्रार्थना करें कि हमारा ये बेंटम चिक जल्द से जल्द रिकवर हो और वापस अपने केज में अपने साथियों के साथ इसको हम जल्द से ताकि शिफ्ट कर पाएँ। और हाँ जी दोस्तों, आ गया हूँ जी छत पे, हो देखो जी मोरनी सामने से मुझको देख रही है और सीधी आ गई मेरी तरफ है। देखो, आ जा, ये आवाज़ को सुनते ही सीधी चली आती है जी। ये मौसम देखो जी आप, सबसे पहले तो बढ़िया मौसम है और यहाँ पे हमारी मोरनी और मुर्गा धूप का एंजॉय कर रहे हैं जी, खाना वगैरह खा लिया है। हाँ मोरनी, आ जा चल। तो इन दोनों को आजकल थोड़ा बाहर छोड़ देता हूँ मैं ताकि घूम फिर ले, पिछली तरफ मिट्टी भी है पड़ी हुई, तो इसने अंदर जाना है मेरे ख्याल से, बात को बिल्कुल समझती है। चल जाना है अंदर, चलो। वो देखो जी अपने आप चलेगी, मुर्गा भी अपने आप ही चला गया। ये देखो जी, अब इसने मेरे को, गर्मी धूप ज़्यादा हो गई है बाहर, अब शायद जाए तो अपने सीधे केज में अंदर चली जाए। वो देखो जी, जबकि नीचे वाला केज भी खुला हुआ है। चल भाई चल चल चल, तू भी चल। ये नीचे चला जाता है और लड़ाई करता है, इसलिए इसको भी मैं, चलो जी अंडे आज देखते हैं दोस्तों, अंडे दिए कि नहीं।
यस, सवेरे सवेरे मैं आज एक अंडा लेकर गया था जी, और एक और अंडा अभी मिला है, यानी कि आज भी दो अंडे हमारे को छोटी सेना से मिले हैं जी, ये देख सकते हैं आप। तो आज जो है धूप बढ़िया है, तो मैं छोटी सेना को करता हूँ जी बंद, और साथ साथ अपने बेंटम पेयर को चिक्स को खुला रहने दूंगा, क्योंकि ये भी आराम से धूप में घूमते रहेंगे इनको, क्योंकि बेंटम मुर्गियाँ हमारी कुछ नहीं कहती हैं। लो जी, कबूतरों के केजेस खोल देता हूँ। अभी शहजादे क्या हालचाल है, वो देखो जी, बस ये वाली जो इसकी ये बातचीत है बढ़िया लगती है जी, जैसे ही दरवाजा खोलो और ये मूड फ्रेश हो जाता है, गुटक के दिखाना शुरू कर देता है, देखो जी कितना सुंदर लग रहा है। चलो जी, सेंटिनेंट का भी केज खोलते हैं अपने फैंसी कबूतरों का, तो इनको भी देखते हैं। अभी बाहर आएंगे तो आपको मैं पास से जी एक बार बच्चों को भी देखते हैं फिर। अब मैं बार बार वैसे बच्चों को छेड़ नहीं रहा हूँ, मैंने आपको कल पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था आपको, मेल बैठा हुआ है जी, देखो ओ देखो जी, चोंच आपको दिखाई दे रही होगी अंदर, हाँ, ओ देखो जी दोनों नन्हे मुन्ने, वो देखो जी चोंच खोल रहे हैं अपनी, तो खाना मेरे ख्याल से खाया हुआ है इन्होंने, हाँ वो देखो जी इनके पेट भरे हुए हैं बच्चों के, तो बहुत अच्छे से पालते हैं बच्चों को जो है हमारे ये वाला जोड़ा जो है सेंटिनेट का, ये पेयर हमारा जो है जी, मैंने पहले भी देखा इसकी बारी में भी, बहुत अच्छे से फीड करवाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से बच्चों को पालते हैं। लो जी, तो मैं साइड आ जाता हूँ, धूप बढ़िया है, पानी भी यहाँ रखा हुआ है, खाना भी रखा हुआ था मुर्गियों के लिए, और उसमें देखेंगे आप अभी भी दाना ऑलरेडी है, कनक और बाजरा पड़ा हुआ है, हाँ ये देखो जी ये भी अब तो बड़े हो गए हैं जी, अब इनका भी ये है कि अपना चलो अब कोई टेंशन नहीं है दोस्तों कि अब सर्वाइव कर चुके हैं, इतने बड़े होने के बाद बच्चों का इतनी टेंशन नहीं लेती रहती है, बस ये टाइम टू टाइम खाना वगैरह साफ सफाई करते रहे तो मुझे लगता है कि वो देखो सब ठीक ठाक है। आ जाओ भाई, लो जी ब्लैक ब्यूटी और बोना भी हमारा बाहर आ चुके हैं, और कबूतरों को भी अब, तो फिलहाल जी अंडे नहीं दे रही है हमारी जो मुर्गी है, कोई अंडा नहीं दे रही है, लो जी। चलो भाई आ जाओ, एक आएगा तो दूसरा भी बाहर आएगा, वो देखो जी चलो भाई, और हवा भी बड़ी अच्छी प्यारी हवा चल रही है जी, धूप तो है पर साथ साथ जो है बढ़िया हवा भी चलने लगी हुई है, तो शायद अभी बाहर आ जाएं और फिर फीड करवाने बारी बारी से बच्चों को, अंदर जाते रहते हैं जी। उन भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे कमेंट किए जी और प्रॉपर गाइडेंस दी, मुझे प्रॉपर गाइड किया दवाई के बारे में भी, तो मैं जल्द से जल्द जी अब वो जो दवाई मुझे बोली है वो भी मैं लाता हूँ और चूज़े को देता हूँ, क्योंकि मैंने कैल्शियम दे दिया था जी, तो बैक टू बैक लगातार छोटा चूजा है तो लगातार दवाइयाँ देना भी ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैंने कैल्शियम दिया था उनको, मैंने चलो देखते हैं क्या रिजल्ट होता है, तो फिलहाल जी चूजे में कोई अभी ज़्यादा मुझे जो है इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही है, तो देखते हैं जी आज मैं वो दवाई भी लेकर आऊँगा, और भाई आपका भी दिल से शुक्रिया धन्यवाद। देखो जी बोना हमारा कहाँ पहुँच गया, वो देखो ये इसकी फेवरेट जगह है, वहाँ जाके पहुँचता है और वहाँ से कुकड़ू कू करेगा, देखना अभी आप। तो हाँ जी फ्रेंड्स, ये था जी हमारा आज का व्लॉग, वो देखो जी आपस में दोनों लड़ने लग गए हैं, ये दोनों मेल, इनकी आपस में बातचीत बनती नहीं है जी, वो आ गया, लो जी रेफरी भी बीच में आ गया जी ये देखो, तो बड़ा मज़ा आता है दोस्तों इनके साथ टाइम बढ़िया अच्छा स्पेंड होता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा व्लॉग, और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका शौक बढ़िया चले जी, आप सभी के पेट्स परिंदे जो जो आपने पाल रखा है सब बढ़िया ठीक ठाक रहे, और आज का दिन आपका सुपर ब्लेस्ड हो, आपकी हर इच्छा आपकी हर बेसिक नीड परमेश्वर पूरी करें। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।